पाकिस्तान में खुश आमदेद और कपड़ों के धब्बों पे मत जाइएगा। बादामी कौरमा खा के आया हूँ मैं इस वक्त, जो तैयार किया था इससे ये एक धब्बा मौजूद है, लेकिन दाग तो अच्छे होते हैं ना, यानी हो अच्छे। आज जीवे पाकिस्तान में हमारी जो मेहमान है वो एक बहुत ही मकबूल फनकारा है, एक ऐसी फनकारा के जिनसे मैं मिलने का बड़ा मुश्ताक था, बहुत दिलकश शख्सियत की मालिक। और अहम बात यह कि जब भी वो कोई भी किरदार वो अदा करती हैं या वो किरदार निभाती हैं, वो फनकारा जो है कौन फनकारा जो निभाती हैं, क्या क्या निभाती है? फनकारा क्या निभाती है? किरदार जो किरदार जब भी वो कोई किरदार निभाती हैं तो उसमें हकीकत के रंग नुमाया हो जाते हैं। उन्होंने तवील अरसे तक पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के मुख्तलिफ शोबों में काम किया और जब अदाकारी की जानिब कदम बढ़ाया तो उनकी फनकाराना सलाहियतों ने सबको दीवाना बना लिया। क्या बना लिया? दीवाना बना दिया। किसको? सारी आवाम को। आवाम को तो जिक्र नहीं था। अच्छा, मैं ऑडियंस को। आवाम दी बैंड सबको। हाँ, खूबसूरत शक्ल सूरत की मालिक तो है ही, खूबसूरत शक्ल सूरत की मालिक तो है, लेकिन उनकी हकीकत से करीब तरीन अदाकारी ने उनके परस्तारों की तादाद में हैरत अंगेज इजाफा कर दिया और तकरीबन 20 साल के फनी करियर के दौरान बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में इन्होंने काम किया और जो काम किया इन्होंने वो इनकी वर्सिटैलिटी थी और वर्सिटैलिटी को इन्होंने निभाया और इनमें मन चले क्या मन चले पता नहीं चला मन चले मन चले मन चले मन चले और उसके बाद पानी जैसा प्यार पानी जैसा प्यार प्यार में पानी होता है किस तरह का पानी आंसुओं का पानी आप लोग गलत लोगों को बात समझते नहीं हो पानी आंसुओं का पानी प्यार में क्या होता है आंसुओं का पानी जुदाई का पानी फुरकत का पानी फिराक का पानी अगर ये पानी ना हो तो प्यार नहीं हो सकता तो प्यार में पानी चाहिए और प्यार में कभी झगड़ा हो जाए उसमें भी पानी का गिलास चाहिए झगड़े के दौरान अगर मसाइल और बढ़ जाए तो भी पानी का गिलास चाहिए पानी लाजमी चाहिए किसमें किसमें प्यार में क्या चाहिए पानी हाँ तो पानी जैसा प्यार और फिर सरताज मेरा तू सरताज मेरा तू ताज मेरा नहीं तू नहीं अच्छा। तू नहीं तू बदतमीजी है सरताज मेरा तू ताज मेरा सरताज मेरा तू ताज मेरा क्या सरताज मेरा तू ताज हाँ तो बाकी तो गूंगे वो क्यों नहीं बोलते सरताज मेरा तू ताज मेरा हाँ आज आपका माशाल्लाह पीछे बैकग्राउंड अच्छा लगा है चांद नजर आ रहा है पूरा चांद है ये आधी रात का पूरा चांद आधी रात का पूरा चांद आधी रात का पूरा चांद लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूं कि पानी जैसा प्यार सरताज मेरा तू ताज मेरा और फिर शाइस्ता 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 को कब बुला रहे हो यार शाइस्ता को बुला रहे हो यार मुईज शाइस्ता को बुला रहे हो मुईज शाइस्ता को बुला रहे हो शाइस्ता को बुला रहे हो नहीं शाइस्ता को कब बुला रहे हो आज जिस दिन बोलेंगे उसे बुला लेंगे ठीक है शाइस्ता शाइस्ता उसके बाद डुगडुगी डुगडुगी पता है आपको क्या होती है डुगडुगी डुगडुगी बजती है वो एक साउंड देती है ये क्या कर रहे हो आप ये नहीं करो बंदर जब नाचता है ये नहीं कर रहा हां ये डुगडुगी 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 उसके बाद जिद जिद तो चेहरे पे नुमाया है उनके क्या क्या चीज जिद जिद हाँ जिद उनके चेहरे पे नुमाया हर वक्त जिद्दी लगती है और फिर उसके बाद दूसरा ड्रामा किया खुद परस है लेकिन हम भी उनकी तारीफ करते हैं अगर वो खुद परस है तो क्या हुआ हम भी उनकी तारीफ करते हैं खुद परस्ती क्या होती है तुम जाहिल हो तो मैं नहीं पता ठीक है आगे चल उसके बाद शहरयार शहजादी कभी कभी वफा जोया मसाला रंगबाज मेरी जात जरे बेनिशां मेरा पहला प्यार मेरा साईं कितने ड्रामे बता रहा हूं मैं याद आ रहे होंगे उनको मेरा पहला प्यार मेरा साईं बोझ गिरे बाकी हाँ ये अब आयो ना रंग में बोझ कितनी गिरे बाकी दीवारे शब तड़प
और एक मैसेज कर देने का रंग बाज प्यू प्यू मॉडलिंग और ड्रामा मॉडलिंग और ड्रामा मॉडलिंग और ड्रामा में मॉडलिंग और ड्रामा में इन्होंने धूम मचाने के बाद अब इनका अगला टारगेट फिल्म है और इनकी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन कराची उसमें सफेद कपड़ों में हाजी मस्तान चला आ रहा है वंस अपॉन अ टाइम इन कराची और बहुत जल्द बड़ी स्क्रीन की जीनत बनेगी और तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल करते हैं तशरीफ लाती है हमारी मेहमान ताली बजाओ बजाते रहो नौशीन शाह अस्सलाम वालेकुम नौशीन डॉक्टर साहब कैसी हैं आप आपने जिक्र किया था जी कि एक तो बड़ा अच्छा इत्तेफाक है देखिए दैट वी बोथ आर वेयरिंग ऑफ बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं व्हाइट हम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल और हम दोनों व्हाइट कपड़ों में अच्छे लग रहे हैं बाकी अच्छे व्हाइट सूट्स अ लॉट हां नहीं आप पर ज्यादा अच्छा लग रहा है मैं तो खैर नहीं आप पे भी बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू मैं एक बात कहना चाह रही थी कि कुछ स्टेन्स ना मेरे भी कपड़ों पे लगे हुए हैं क्या खा के आई हैं मैंने कुछ आई डोंट नो मुझे नहीं समझ आई कि दाग क्यों लगे लेकिन ये भी इत्तेफाक मैंने सिर्फ रोजा खोला लेकिन ये इत्तेफाक है अगर आपके भी दाग हैं कुछ कहना चाह रही अच्छा बताएं कि कपड़ों पे दाग तो ठीक है किरदार पे नहीं होने चाहिए वाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहमान ऐसी हैं जिनके ना किरदार पर दाग है ना कपड़ों पर है और आपका मेजबान ऐसा है जिसके ना किरदार पे दाग है कपड़ों पे हो जाते हैं इतना चलता है हाँ जी बिल्कुल आप नौशीन शाह माशाल्लाह एबटाबाद की बिल्कुल सैयद फैमिली से ताल्लुक रखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इस वक्त कुछ फैमिली मेंबर्स एबटाबाद में हैं कुछ कराची में मुकीम हैं इनके चार भाई कुछ दुबई में कुछ अमेरिका में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं लोग जहाँ जहाँ पर हैं पूरी दुनिया में और वैसे भी इसमें हैरान होने की बात नहीं है सादात पूरी दुनिया में फैले हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सैयद हैं फैले हुए इनके चार भाई हैं एक बहन है और वालिद ने हमेशा इनके जो वालिद हमेशा नहीं मेरी एक बहन है है वही तो कह रहा हूँ है जी एक बहन है और वालिद ने हमेशा बेटियों को बेटों से ज्यादा सपोर्ट किया बिल्कुल बाप हो तो फिर ऐसा हो जो अपनी बेटियों को सपोर्ट करता हो अब्बा जान जो थे वो इनके भाइयों की पिटाई भी लगा देते थे लेकिन लेकिन बेटियों के मामले में बहुत नरम थे जी था ऐसा चश्मा लगा दो मैं हाँ ताकि मैं आपको सही तरह देख लूं अच्छा ये म्यूजिक क्या कहना चाह रहा था ये तो ऐसे ही लोग हैं ये ऐसी हरकतें ना कीजिएगा ये दोनों ऐसी हैं अजहर अरशद अमजद अजहर दी बैंड इन्होंने कहा है ना इंट्रो में कि चेहरे पे सख्ती भी है हाँ हाँ सख्ती खुद सर सैयद हाँ वो भी शिजरे वाले हाँ कोर्स करते हैं हम लोग ख्याल करो लिहाजा पता नहीं है तुमको बैंड हो जाएंगे हाँ अच्छा इनके वालिद ने इनको एक निडर खातून बनाया और बहादुर खातून बनाया और सारे पेरेंट्स को मैं आई एम रियली सॉरी आपकी बात काट रही हूँ सारे माँ बाप को अपने बच्चों को स्पेशली अपनी बेटियों को अपने बेटों की तरह पालना चाहिए क्योंकि मुझे मुझे और मेरी सिस्टर को जो बात कही गई थी या जो बचपन से फीड की गई है मेरे वालिद साहब की तरफ से मेरी वालदा बहुत सख्त है मेरे वालिद भी बहुत सख्त हैं लेकिन उन्होंने कभी भी ये डिफरेंस हमें नहीं फील होने दिया कि हम बहनें हैं तो हमारा चीज़ों पर कम हक है और हम भाई हैं जो मेरे भाई हैं उनका चीज़ों पे या किसी भी तरह से उनको किसी भी लिहाज से लिबर्टी ज़्यादा दी जाएगी नॉट एट ऑल सो दिस इज़ माय वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग मी आउट देयर कि आप प्लीज़ अपनी बच्चियों को अपने बच्चों की तरह पालें क्योंकि मुझे ये लगता है कि लड़कियाँ जो हैं वो उनकी जो जो एक, एक जो स्ट्रेंथ है उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते अगर आप उनके हाथ में कलम और पेपर दे दें वो पूरा ख़ानदान आपका पढ़ाएंगी वो पूरी आपकी नस्लें पढ़ाएंगी
मर्द तो सिर्फ एक ब्रेड एंड बटर वो अर्न करेगा, वो सारा कुछ करेगा, लेकिन अगर लड़की पड़ी होगी तो फिर आपकी सारी नस्लें पड़ जाएंगी, और अल्लाह ना करे अगर कोई मुसीबत आती है तो वो किसी की मोहताज नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों को सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, वेरी गुड मैसेज, वेरी गुड, आई लाइक इट, और बड़े दिल से आपने दिए ये, मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन मैसेज था, जिसे मैं इतने गौर से सुन रहा हूँ कि बच्चियों को इसी तरह से पालना चाहिए। अब मेरे दिल में आपकी और कदर बढ़ गया, अभी मैं जितना आपको सुनता जा रहा हूँ कदर बढ़ती जा रही है। अच्छा, इनके वालिद ने हमेशा इनको ये कहा कि देखो अगर कोई तंग करे और अगर कोई परेशान करे या कोई मारे तो रोते हुए मत आना मेरे पास। और ये है वो बाप की अजमत और वो बाप की तरबियत जो मैं नौशीन शाह में नज़र आती है। और वो लहरी की उन्होंने बताया कि वालदा बहुत सख्त है, लेकिन वालिद की नज़र में मैट्रिक इंटरमीडिएट तक तालीम काफ़ी थी। असल चीज़ ये थी कि बच्चियाँ माशरे में एक मकाम बना सकें, और कोई उनको ये ना कहे कि ये तो लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ हैं तो क्या हुआ, लड़कियां ही हैं तो सब कुछ है, अगर लड़कियां ना हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे मर्द का कहते हैं ना, मर्द का मकाम है, अल्लाह पाक ने उसकी एक अपनी जगह रखी है, उसी तरह से औरत की है, अल्लाह ताला ने उसकी भी एक अपनी जगह रखी है। तो ये जो मुकाबलेबाजी एक चल पड़ी है, मुझे कभी ये भी समझ में नहीं आती, क्योंकि मैन आर मैन एंड वुमेन आर वुमेन, एंड आई थिंक बोथ द जेंडर्स, दोनों औरत और मर्द एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। कोई ये सोच रहा है कि मैं जस्ट बीइंग अ वुमन अकेली सब कुछ कर लूँगी तो ये भी मुमकिन नहीं है, और अगर मर्द को ये लगता है कि वो अकेले सर्वाइव कर लेगा तो मुझे लगता है लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप कहते हो कि नहीं, आई नीड कंपेनियन, आई नीड माई फादर, आई नीड माई ब्रदर्स, आई नीड माई हस्बैंड, आई नीड अ फ्रेंड। सो आई थिंक ये जो बात है कि लड़की और लड़का और ये बहस व मुबासा जो होता है ये होना नहीं चाहिए, इट्स वेरी पेटी, इट्स वेरी स्मॉल। आपको बताऊं मैं नौशी, इसमें आपने अच्छी बात की, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, इसमें सारा कसूर अंग्रेजी का है। अगर आप अब इसको गौर से सुनिएगा फिर हम जरा गेम की तरफ आएंगे। जी जी, सारा कसूर अंग्रेजी का इस तरह है कि मुझे इख्तलाफ है अंग्रेजी के वर्ड वुमन से, मुझे इख्तलाफ है अंग्रेजी के वर्ड विमेन से, मुझे इख्तलाफ नहीं है उर्दू के वर्ड औरत से, लड़की से, दोशीजा से, इनमें कहीं भी मर्द नजर नहीं आ रहा। वुमन में मैन है, मर्द है, विमेन में मैन है, मर्द है, फीमेल में मेल है, मर्द है, सारा कसूर अंग्रेजी का है। उर्दू में आओ तो कहीं भी मर्द नहीं है, सिर्फ लड़की है। नहीं सर, बात तो आपने 100% ठीक ही है। हाँ। आपकी इस ये जो दलील है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छा ये बताएं पाकिस्तान की, पाकिस्तान की इतनी नॉलेज नहीं है डॉक्टर साहब, इतनी नॉलेज नहीं है। सवाल खातून वजीर आजम कहाँ बनी पाकिस्तान में? पहली थी, सही ना, बेनजीर भुट्टो। आई थिंक पहली वजीर आजम जो थी वो बेनजीर भुट्टो शहीद थी, ठीक है, पहली पूरी दुनिया में, पहली पूरी। फिर उसके बाद दोबारा बनी, बिल्कुल बनी, और तीसरी बात जब उनको पता था कि वो असैसिनेट होंगी वो फिर भी इलेक्ट हुई और गोली खा के अपनी आवाम के लिए मरी गई, जो बड़े बड़े मर्द नहीं मरते। अब और आ रहा हूँ, उसके बाद पाकिस्तान की खातून स्पीकर थी अशरफ अब्बासी साहब, फिर उसके बाद थी फहमीदा मिर्जा साहब, ठीक है, मैं कुछ बात आपसे कहना चाहूँ। उसके बाद आप आ जाए तो आपको बांग्लादेश में खालदा जिया, हसीना वाजिद, ये मिलेंगी। अमरीका में है कोई औरत प्रेसिडेंट? अमरीका में प्रेसिडेंट ही क्यों, कभी बनी? मुझे कोई बता, कभी बनी? ये सारा अंग्रेजी का कसूर है, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर थोड़ा बहुत सिर्फ कहने की बातें हैं तो सारा के सारा जो है। चले भाई आते हैं, जरा स्क्रीन की तरफ आइए और देखते हैं कि नौशीन शाह क्या मुंतखब करती है आज कसौटी के लिए। प्लीज हेल्प कर दीजिएगा। खाना है, हादसा, मकाम, वाकया, शख्सियत, इनमें से कोई भी आप चूज कर लें, 10 आपके पास इशारे होंगे और वो आपने मुझसे सवाल कर दें, मैं अगर समझूंगा कि ये सवाल है तो मैं आपका इशारा मना कर दूंगा, अगर मैं समझूंगा सवाल नहीं, आप मालूमात के लिए पूछ रही हैं तो एक अलग होगा, लेकिन आपने मुंतखब करना है। खाना, हादसा, मकाम,
वाक्या शख्सियत कसौटी हादसा गाड़ी ये तो मुझे अच्छा तो गाड़ी में हादसे के एक 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 नहीं उसे मुझे एक एक्चुअली खुद अपना हादसा याद आ गया वो क्या था वो ये था कि मैं मेरी जान बच गई थी क्योंकि मैंने बेल्ट पहनी थी और आई वाज टॉट बाय माय फादर कि बेटा गाड़ी चलाना है तो सबसे पहला काम नहीं नहीं ये मैं पहले बताता हूँ ये वाकया मुझे याद आ गया ये क्लिफ्टन में ड्राइविंग के दौरान आपकी आंख लग गई थी ड्राइविंग के दौरान आपकी आंख लग गई थी बहुत बुरा हादसा हुआ था गाड़ी तबाह हो गई थी लेकिन जिंदगी बच गई थी आपकी आंख लग गई थी गाड़ी चलाते यही तो नहीं पता पीर साहब को सब पता है पीर साहब आपको कैसे है और अच्छा। मैं ये भी बता सकता हूँ आपको जी जी मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आप यहाँ से तो अपनी जगह पर है लेकिन आप चंद वर्षों पहले आप डिप्रेशन के शिकार हो गए थे डिप्रेशन था जी जी मैंने तो बड़ा वोकली बात की है हाँ। मैं शायद वाहिद एक्टर हूँ जो बात करती हूँ लेकिन 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 यहाँ तक आपने कोशिश की थी कि कमरे में आप बैठी हुई थी खिड़की खुली हुई थी आपको दिल चाह रहा था मैं खिड़की से कूद जाऊँ और खुदकुशी कर लूँ ये तो खैर मैंने इंटरव्यू में बोला हुआ है तो ये इन्फॉर्मेशन तो हाँ वहाँ से मिली होगी लेकिन भाभी ने यह कहा था कि ये अलामत अच्छी नहीं है तो ये तो नहीं कहा था ये भी कहा बिल्कुल आज अलामत अच्छी नहीं तो फिर भाभी डॉक्टर के पास लेके गई थी बिल्कुल लेके गई थी और फिर उसके बाद फिर शहरों सब्जवारी थे जिन्होंने आपको नई जिंदगी दी नई जिंदगी तो खैर अल्लाह की ज़ात दे नहीं जाहिर है वो देखिए वो एक अलग चीज़ है लेकिन उन्होंने मुझे मैं ये जरूर डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया था उन्होंने इलाज उन्होंने मुझे मेरे चूंकि वो वेरी सेफली आई कैन से बीमारी में लोग आपको पागल कहने लगे थे नहीं मुझे पागल तो खैर कभी किसी मैं कह रहा हूँ चलो कहने लगे थे पागल तो आपको भी उस तरह से आपके बेबाकपने पे कह देते हैं तो कहने लगे थे लेकिन आपने उसको नहीं नहीं अपने जहन में डर गई थी इस बात से कि कहने ना लग जाएं मुझे इस चीज का डर था लेकिन आप नहीं थी डिप्रेशन डिप्रेशन होता है क्या हो गया डॉक्टर साहब हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है ना कि जब कोई किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है कमिल भी कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप पागल हैं मैं यही कह रही हूँ कि मुझे ये डर था कि लोग ये ना कहें कि भाई इसको तो यू नो एंग्जाइटी होती है या डिप्रेशन होता है और भाई मैं आपको बताऊँ मेरा टेनिन कटा है मेरी 7 सर्जरीज हुई हैं मुझे उस मैं कोई फॉर अबाउट आई थिंक 5-6 ईयर्स 6-7 साल में उस तकलीफ से गुजरी हूँ वो अपनी जगह है लेकिन एक या मैं कहूँ 5 सेकंड का भी एंग्जाइटी अटैक जो होता है ना वो बहुत बुरा है वो कभी अल्लाह किसी को ना करे इट्स हॉरिबल यू कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स बिकॉज योर ओन ब्रेन इज नॉट इन योर कंट्रोल आपको पता ही नहीं होता कि आपके दिमाग के केमिकल्स आपके साथ कर क्या रहे हैं तो मैं बहुत डरती थी क्योंकि मुझे वक्त पे मेरा शुरू से प्रॉब्लम है मुझे बहुत बुरा लगता है जब आर्टिस्ट वक्त पे नहीं आते टाइम की पाबंद मैं बहुत पाबंद हूँ तो मैं आगे वाले से भी उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही रहें वक्त पे आएं और अपना तालीम मुकम्मल न करने का आज भी अफसोस है बिल्कुल है और लेकिन मुझे लगता है कि नहीं की तो मुझे मेरे काम ने बहुत कुछ सिखा दिया yes. तो इसमें भी शायद कोई अल्लाह की बेहतरी होगी बिल्कुल होगी बिल्कुल होगी कोई ना कोई बेहतरी ही होगी जो जितना मैंने काम में सीखा अब उधर देख मेरे ख्याल में हम चूज करते हैं इजी ऑप्शन खाना नहीं आपके सामने कुछ इजी नहीं है भाई सॉरी आपने कुछ निकाल के ले आनी है कोई डिश मैं बिरयानी के बारे में क्या बीजेपी ज्वाइन कर लिया और तो कपड़े सारे तुम्हारे बीजेपी के हैं तुम अटल बिहारी वाजपेयी क्यों लग रहे हो मुझको आज हैं अच्छा हाँ वाजपेयी द बैंड ये समझ गई देखो समझदार आदमी समझता है वो समझ गई जी आइंदा ये गलती ना कीजिएगा हाँ जी हाँ आई थिंक हम जाते हैं जी थोड़ा सा आप हेल्प कर दो मकाम या फिर शख्सियत मकाम या फिर शख्सियत अच्छा। इन दोनों में से एक में आप किस में ज्यादा आपको अब बूझने में माशाल्लाह आपने दुनिया घूमी हुई आपको पता है मकाम ज्यादा अच्छा बूझने में लगेगा या शख्सियत आई डोंट नो पता नहीं चलो तो फिर मकाम कर लेते
ठीक है, मकाम करना। चलिए मकाम, अच्छा मकाम एक मशरक में है, मगरिब में नहीं, मशरक में है और मशरक में एशिया में है, एशिया में है। पाकिस्तान? नहीं नहीं, ये तो आपने पूछना है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या? पाकिस्तान तो मेरी जान है, पाकिस्तान तो आपकी जान है, पाकिस्तान हम सब की जान है। अच्छा मैं एक चीज पूछ लूं? हाँ पूछे। यहाँ है हमारी कंट्री में? एशिया में, मकाम एशिया में। हाँ भाई, तेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। आगे बाद में सुनाऊंगा। एशिया में, एशिया में अभी आपका कोई इशारा नहीं, अभी आपके 10 इशारे बाकी। एशिया में पहली हिंट देते हैं। अच्छा पहली हिंट देता हूं, एशिया में, और एशिया में उन ममालिक में शुमार होता है कि जो ममालिक मकाम उसमें ममालिक में, लेकिन मैंने मकाम आपसे पूछा, आपने उस मकाम तक पहुंचना है। उन ममालिक में शुमार होता है जहां पर बहुत ज्यादा सियाहत की जाती है, यानी टूरिज्म वहां पर बहुत ज्यादा है। हाँ इससे बड़ा आपको हिंट क्या दूं? पहला हो गया हिंट आप। टूरिज्म बहुत की जाती है एशिया में। चलो मैं आपको थोड़ा आसान कर देता हूं, टूरिज्म बहुत की जाती है एशिया में। फार ईस्ट की तरफ से जाइए, एशिया से थोड़ा बाहर निकल जाए, फार ईस्ट में आ जाए। चले मैं आपको आसान कर देता हूं, कहलाएगा एशिया ही लेकिन फार ईस्ट में चल जाती है। पंगा ले लिया मुझे लगता है मैंने। फार ईस्ट, और आप वहां गई होंगी, और आप वहां सिर्फ न सिर्फ गई होंगी बल्कि थाईलैंड, मलेशिया, इस तरह की जगह है, तो मैं तो जिंदगी में कभी नहीं गई। ममालिक के नाम अगर अभी आप लेंगे कटते जाएंगे नंबर, क्योंकि वो ममालिक हो जाएगा। अभी आपने इशारों पे चलना है, जब आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी तब आप मकाम का नाम लेंगे। लेकिन वो एक ऐसा मकाम है, एक ऐसी जगह है नौशीन, एक ऐसा मकाम है, एक ऐसी प्लेस है कि जहां आप गई हैं और वहां जाने के बाद आपको जगह बहुत पसंद आई है। आप अपने पूरे वसूख से कह रहे हैं? मुझे लगता है कि आप आ गए, क्योंकि आपकी निफासत, आपको मैंने देखा बहुत नफीस खातून है। नफीस कहते हैं बहुत ज्यादा, मेरी उर्दू अच्छी है, अच्छी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। नफीस समझते किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? एक हमारे पड़ोस में रहते हैं नफीस भाई, उनको नफीस कहते हैं। हाँ हाँ सीख रहा हूँ अंग्रेजी से। आप नफीस, नफीस इज अ बिट ऑफ क्लास है, अ क्लासिक, क्लासिकल, तो आप बहुत ही, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो आप बड़ी क्लासिकल खातून है, बहुत क्लासिकल, नहीं क्लासिकल भी, आप क्लासिकल भी, क्लासी तो है, क्लासी तो है। सर मेरा दिमाग अभी उधर ही फंसा हुआ है कि ये, लेकिन आप माशाल्लाह नफीस इस लिहाज से कि बोलने में, गुफ्तगू करने में आपका लहजा, आपका अंदाज तकल्लुम, आपका अंदाज तखातुब, ये इंतहाई मुतासिर कुन है, इसे आप नफीस है। तो अगर आप नफीस हैं और यकीनन है, तो उस जगह पर आप गई होंगी और आपको वहां की निफासत बहुत पसंद आई होगी। Now that's a hint. और अगर नहीं गई है तो आप सुना है उसके बारे में और आप जाना चाहती हैं वहां पर और आप रहना चाहती हैं वहां पर और आप उसकी निफासत को महसूस करना चाहती हैं और आप वहां कुछ दिन रहकर, कुछ पल रहकर, कुछ वक्त रहकर आप देखना चाहती हैं कि वो इतने नफीस कैसे हो गए। आप मुझे सवाल पूछते, अगर आपके जहन में कोई भी कोई चीज आ रही है, मुझसे पूछे मैं बताऊंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भी सफेद कपड़ों में, भी सफेद कपड़ों में, ये भी सफेद कपड़ों में, ये भी सफेद कपड़ों में, चारों तरफ सफेदी सफेदी है, पूछे।
मुझे जो जिस कंट्री में ये जगह है हाँ. उस कंट्री का कोई अल्फाबेट कुछ कोई पहला हाँ? अच्छा यूं कर लेते कि या ये बता उस कंट्री में एक बड़ी सब, उस जगह पर उस मकाम पर अच्छा वो कंट्री भी है और वो मकाम भी एक ही वो एक ही है उसमें कोई शहर ही नहीं फार ईस्ट भी आप कह रहे हो मेरा आई डोंट नो एक ऑप्शन और काट दे उनके पास आठ इशारे आपके पास है आप कोशिश करें आप मुझे पूछते रहे अपने नबी से आप यकीनन मोहब्बत करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा उनका नाम भी बहुत इज्जत से सब प्यार से लेते हैं नहीं नहीं इजिप्ट तो फारिस में है ही नहीं हाँ यू आर राइट अच्छा मैं सिर्फ एक लफ्ज बोल रहा हूँ मोहम्मद मुस्तफा अब भी अगर आप वहां तक ना पहुंची आप सवाल आंसर मत दीजिएगा आप अभी मुझे सवाल कीजिए आपका आठ इशारे बाकी है ओके वो हो गया रसूलुल्लाह का नाम ले लीजिए जी ठीक है अच्छा और कुछ बताएं भाई इतना बड़ा मेरे इससे बड़ा इशारा अगर किसी को इस इशारे के बाद वो जगह समझ में नहीं आ रही फारिस में तो फिर तो बड़ा मसला है सोचे मुझे देखती रहे और सोचती रहे ईरान फारिस में नहीं ईरान मुझे फिर नहीं फिर मेरी नॉलेज का प्रॉब्लम है नहीं नहीं आपके पास नॉलेज है यू आर जस्ट कंफ्यूज और कुछ नहीं है पता आपको है जरा थोड़ा कंफ्यूज मेरी बातों में हो गई बाकी कुछ नहीं मैंने थोड़ा कंफ्यूज किया आपको और कुछ नहीं बाकी आपको पता है क्यों आपने किया ये तो मेरा काम है इसी की तनख्वाह मिलती है मुझको डॉक्टर साहब अल्लाह ये तो रोजे हैं रोजों में थोड़ी करते हैं किसी को नहीं नहीं मैंने आपको नहीं नहीं वैसे कंफ्यूज मैंने आपको अच्छा मैंने आपको बहुत अच्छा कंफ्यूज किया आप पहुंच जाएंगी वहां तक मैं आपको बता रहा हूँ और आप भी पहुंचेंगी ये मेरा यकीन है मुझे कंट्रीज में बता दूं अब मुझे ये नहीं पता वो कंट्री भी है अच्छा, वो शहर भी है वो जगह भी है वो मकाम भी है वही सब कुछ है ईरान एक सेकंड मुझे अब ये नहीं पता कि ईस्ट और वेस्ट आई डोंट नो चले आप नाम लेती जाए मैं इशारे काटता जाऊंगा ईरान नो इशारा कट गया इराक नो 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 इराक तो नहीं था सॉरी इराक नहीं था ईरान था कितने बाकी है जल्दी सऊदी अरेबिया काटो सऊदी अरेबिया भी काटो नहीं है? काटो हाँ काटो काटो आई डोंट नो जल्दी 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 चाइना काटो चार रह गए काटो पाकिस्तान में पाकिस्तान काटो पाकिस्तान काटो कश्मीर काटो कश्मीर काटो थाईलैंड फोन अ फ्रेंड कर लो फोन अ फ्रेंड करो रोको फोन अ फ्रेंड ओके वक्फा लो जी वे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नौशीन शाह हमारे सामने विराजमान है और अभी इनके पास तीन इशारे बाकी हैं थोड़ा सा ज़रा इनको और रिलैक्स करते हैं और ताकि जहन पर बोझ ना हो कि अभी तीन इशारे बाकी हैं अभी चूँकि हम जब वक्फे में गए थे तो बहुत तेज़ी में गए थे अब ज़रा थोड़ा सा वापस आते हैं अच्छा ये बताइए कि 16 या 17 बरस की आप जब थीं तो आपको एक कमर्शियल की ऑफ़र हुई और फिर उन्होंने यानी आपने जो है वो घर वालों से इस बारे में कोई बात नहीं की शुरू में वालिदैन बहुत खफ हुए लेकिन वालिद मान गए थे मेरी वालदा ने मुझे मारा था हम सब खाने की टेबल पे थे वाकया लंबा है सुना मैं सुना दे मजेदार है मुझे पता है तो वो जब वो हंटिंग कर रहे होते हैं ना न्यू टैलेंट की सो देवर कपल ऑफ पीपल दे सॉ मी आई वाज अराउंड 16-17 और 16-17 इयर्स ओल्ड दे केम अप टू मी एंड दे सेड वुड यू लाइक टू एक्ट मैंने कहा अच्छा ये भी होता है हमने तो सिर्फ टीवी में यू नो हीरोज और सबको देखा हुआ है अच्छा ये पॉसिबिलिटी है तो मैंने कहा पता नहीं आई डोंट नो तो उनको पता था ये छोटी है तो दे गेव मी देयर विजिटिंग कार्ड तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और अपने अम्मी अबू से पूछिए घर वालों से पूछिए और अगर वो आपको इजाज़त देते हैं तो आप
शूट पे आ जाए, पहले ऑडिशन होगा, नॉर्थ नाजमाबाद भी रहते थे, हस्बैंड वाइफ थे, पहले ऑडिशन होगा और अगर ऑडिशन आप पास करती हैं तो फिर आपको ड्रामा मिल जाएगा। और फिर आप वो बीकिन हाउस में अपनी एक जेर तालीम दोस्त के पास गई, उससे आपने कपड़े मांगे। मैंने अब घर में, मेरे पास अच्छे कपड़े इसलिए नहीं थे क्योंकि मैं अगर घर से कपड़े लेती तो पकड़ी जाते, पकड़ी जाए। तो मैंने फातिमा, मेरी एक दोस्त हुआ, कैसे उधार मांगे, मैंने कहा फातिमा प्लीज, तो शी वाज लाइक नो प्रॉब्लम। तो हमने कपड़े मांग के कोई 4-5 जोड़े और मेरा एक छोटा सा रोल था उसमें, थी आई थिंक मीरा जी हमारी, उसमें थी हमारी जी वो जो दूसरी हैं, बताइए बताइए ना, मैं बताता हूँ, हमारी जो जिन्होंने इंडिया में भी, वीना मलिक जी, वीना मलिक जी थी, मीरा जी थी और मेरा बहुत छोटा सा, इट वॉज अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर। 3,000 रुपए का चेक मिला था, 3,000 एग्जैक्टली, यू आर राइट। एंड अब मैं भूल गई, मैं बताता हूँ, 3,000 रुपए का आपको चेक मिला था? मैं नहीं, भूल गई। अच्छा, भूल गए, ओके, भूल गए कि मैं ये ड्रामा करके भूल गई, भूल गई। लेकिन जब आपको जब चला था, जब चला था तो आपको सारी रात नींद नहीं आई थी? नहीं, मुझे मार बहुत पड़ी थी, सारी रात पैसों की वजह से नींद नहीं आई थी, सारी रात मुझे उस दिन नींद नहीं आई थी जब मुझे चेक मिला, वही तो बता रहा, चेक मिला 3,000, तब आई कुडंट स्लीप। बट फंसाया आपको छोटे भाई ने था? मैं उसको, मैं आज भी कहती हूँ तुम्हें कभी माफ, खाने की मेज पे बैठे थे छोटे भाई ने, अब अचानक बैठे खाए, ये लड़की तो नौशीन से मिलती है और मैं कोनिया मार रही हूँ उसको, प्लीज स्टॉप इट, ये डोंट यू गाइस थिंक ये। तो मेरी वालदा जो थी उन्होंने फिर कोई लिहाज, आपको पता है ना, फिर लेकिन उनको बस सिर्फ एक मलाल था कि मुझे झूठ क्यों बोला, वो मेरे वालिद को था, वालिद को था, वालिद, मेरी वालदा को तो किसी सूरत में ये बात वालिद को मलाल थी, ये एक्सेप्टेबल थी ही नहीं। तो उन्होंने छुरी, चम्मच, चमचा, प्लेट, जूता, जो कि इस तरह का बिहेवियर कभी उन्होंने हमारे साथ, मेरे घर में नहीं होता ये मार धाड़ टाइप चीजें, भाइयों को बहुत मार पड़ी है आपको, लेकिन नहीं लड़कियों को सवाल ही पता नहीं होता, मेरे घर में ये भी अलाउ नहीं, ये बहुत अच्छी बात। इवन माय ब्रदर्स, मेरे सगे भाई हैं, मेरा खून है कि खबरदार, लड़कियों के कमरे में बगैर नॉक किए अगर कोई जाएगा तो मैं दांत तोड़ दूंगा। इतनी अच्छी बात आप कह रही, मैं आप पिछले दिनों कुछ ऐसा कोई वाकया हुआ तो किसी ने मुझसे कहा कि जेंडर की क्यों इज्जत करते हैं, किरदार की इज्जत करनी चाहिए। मैंने कहा भाई आपके नबी ने सबसे पहले जेंडर की इज्जत करना सिखाई, बच्चियां जिंदा दफन होने से बचाया आपके नबी ने, उस वक्त किरदार सामने नहीं था, जेंडर सामने था, जेंडर को बचाया, तो बच्ची को बचाया, तो जेंडर की इज्जत करनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त आपकी चहेती, आपकी चाहने वाली, आपको प्यार करने वाली, आपकी सरपरस्त, आपको बहुत प्यार करती है, इफ़त उमर साहिबा, और उस वक्त टेलीफोन लाइन में मौजूद है, और मैं उनसे इसलिए मोहब्बत बहुत करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। मैंने उनको मैसेज भी किया था, शायद उनको मैसेज नहीं मिला, उन्होंने अपना कोई कमेंट किया था, आज तो आमिर हीरो लग रहे हैं, थैंक यू इफ़त साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं हीरो लग रहा हूँ तो आपकी वजह से हूँ, आपकी मोहब्बत की वजह से हूँ, आपके हुस्न नज़र की वजह से हूँ। अगर आपने मुझे उस जुमले पर या उस एक्ट पर यह समझा कि मैंने सही किया तो मैंने वाकई सही किया था, मुझे उस वक्त यही करना चाहिए था। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरमा इफ़त उमर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी, मुझे इतना शौक है आपसे मिलने का, आपकी दुआएं लेने का, क्योंकि इतना अच्छा आपने कमेंट मेरे लिए किया था, मैंने उसको संभाल के रखा है, सेव करके रखा है कि इफ़त उमर साहिबा ने मेरे लिए कहा है आज तो आमिर हीरो लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, यू डिजर्व्ड इट दैट डे, यू वर रॉकिंग, यू वर ऑन फायर। अच्छा, ये अब आपकी बड़ी प्यारी चहेती नौशीन इस वक्त बैठी है और ये फंस गई एक जगह आकर, मैंने इनसे एक मकाम पूछा है और मैंने पूछा कि एक मकाम है उसके बारे में आपने बताना है, वो मकाम फारिस में है और वो मैंने खुद ही सोचा था और बाद में अभी मुझे लगा, शायद लग रहा है, मैंने कहा कि आप वहाँ जा भी चुकी हैं, आप चूंकि बहुत नफीस खातून हैं, नफासत आपके अंदर है, लगती भी आप हैं, तो इसका मतलब आप वहाँ जा चुकी हैं बहुत, क्योंकि बातमीज़ है, बात करने का सलीका है। मैंने कहा वो इतनी नफीस जगह है, इतनी प्यारी जगह है, इतनी अच्छी जगह है, फारिस में वही मुल्क है, वही शहर है, और मैंने इनको एक हिंट भी दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई, मैंने इनको हिंट दिया, अभी ये बता नहीं पा रही, आप इनकी मदद करें, आप दोनों बातें करें जी। हेलो, आई मोहम्मद मुस्तफा, मुझे भी समझ नहीं आई। हाउ आर यू? आई एम गुड मेरी जान। हाउ इज जुबेर भाई? अल्लाह का शुक्र, हाउ इज नूरे? बिल्कुल ठीक है, ऐसी क्लासेस शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन पढ़ रही है। ओके,
सो आई एम टेक्निकली स्टक और डॉक्टर साहब ने फंसा तो दिया है, अब समझ नहीं आ रही, तो कैन यू हेल्प मी आउट, एनी पॉसिबिलिटी? इट्स अ कंट्री एंड अ प्लेस. इधर देखिएगा, इधर यहाँ पे आपको देख रही हूँ. इट्स अ कंट्री एंड अ प्लेस. कोई और, कोई एक हिंट और दे. इन्होंने कहा कि बहुत नफीस वो ऐसे इफ़्फ़त साहिबा के, इफ़्फ़त साहिबा मुझे यकीन है कि आप उमर साहब के साथ और बच्चों के साथ वहाँ जा चुकी होंगी. तो फिर तो बैंकॉक फुकेट कुछ ऐसे नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 इन्होंने एक हिंट और दिया था. बहुत साफ सुथरा है कि मुझे शायद मैं शायद पहुंच जाऊंगी. अब एक है अच्छा जैसी अच्छा आपको जैसी ये नौशीन लगती है ना ये वैसी ही जगह है. बहुत महंगी जगह है क्या? हाँ थोड़ी महंगी है. महंगी है. सिंगापुर. सिंगापुर इज द राइट आंसर. साहिबा सिंगापुर में है, मोहम्मद मुस्तफा शॉपिंग सेंटर. ओके ओके ओके. मैं वैसे सिंगापुर अभी तक गई नहीं हूँ, लेकिन हाँ. जरूर जाऊंगी अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया. बिल्कुल जाइएगा. मस्ट गो. थैंक यू सो मच लोगों को बताने के लिए कि अगर महंगी जगह है तो मुझसे बड़ी मेहरबानी. लेकिन आप जा चुकी हैं. लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं वाकई जा चुकी हूं. और जाओ तो बहुत सारे पैसे लेके जाना, वरना कोई जरूरत नहीं है, वरना थाईलैंड जाओ. लेकिन नफीस कितना शहर, बहुत साफ सुथरा. आपको मैं सॉरी प्लीज प्लीज बता प्लीज बता. नो प्लीज प्लीज. मैं ये कह रहा था कि वहाँ आप च्युइंगम भी नहीं खा सकते, सिगरेट भी नहीं पी सकते. और मोहम्मद मुस्तफा शॉपिंग सेंटर जब मैंने वहाँ लिखा हुआ देखा, इतनी खुशी. सेंगून रोड पर है जहाँ लिटिल इंडिया है, वहीं पर मोहम्मद मुस्तफा शॉपिंग सेंटर है. एक कोई केरला का कोई साथी है, उसने बनाया हुआ है. और क्या खूबसूरत शॉपिंग सेंटर है, चार मंजिला है, वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, हर चीज़ सस्ती मिलती है. तो इसलिए मुझे, मगर आप ऑर्चर्ड रोड पर जब जाते हैं तो ऑर्चर्ड रोड पर तो बहुत मुश्किल है जाना. ऑर्चर्ड रोड पर तो बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है भाई. जी मैं ये कह रही हूँ कि मैं टैक्सी में ट्रैवल कर रही थी तो मैंने रैपर ना फेंक दिया पीछे. तो मैं उतर गई, दोस्तों से मुझे मिलना था, मेरी एक लड़का लड़की इंडियन दोस्त थे, तो मुझे खाने पे जाना था उनके साथ. सो आई वाज जस्ट गोइंग टू विजिट देम. तो वो मैंने ऐसी टॉफी थी खाई, तो रैपर वो नहीं हम साइड पे डाल देते हैं गाड़ी, तो हमने जाहिलियत दिखा दी अपनी कि हम हैं तो पाकिस्तानी, जो हमने हर जगह गंद फेंकना होता है. अब मैं उतर गई और मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो जो कैब वाले ड्राइवर साहब थे वो रैपर निकाल रहे थे. आई वेंट बैक टू हिम एंड आई वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग? सो लाइक यू मेड इट डर्टी. लाइक जी व्हाट? कहते हैं आपने मेरी गाड़ी गंदी कर दी है, तो मैं ये इसकी सफाई कर रहा हूँ. तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई और मुझे कि छोटी सी चीज थी और उन्होंने नोटिस कर ली शीशे में से, नोटिस कर लेते और वो अपनी गाड़ी साफ करने और हम कर रहे होंगे. लेकिन ये बस ये कि ये देखिए आप भी तो है ना, हम भी हैं. ये यूं कहिए कि पाकिस्तानी पाकिस्तानियों में जाहिलियत पसंद नहीं होती, ये कहिए कि हम कुछ लोग होते हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, वो दिन है डॉक्टर साहब मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ, और आज का दिन है मैंने गंद कचरा कभी कहीं नहीं. वेरी गुड एक्सेलेंट. कभी भी नहीं. मुझे कभी कभी ये होता है कि मैं अगर कोई जगह बहुत साफ सुथरी है और वहाँ पे कूड़ा कचरा कुछ पड़ा हुआ है, कागज पड़ा हुआ कोई चीज, तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती. मैं दो सुनाऊंगी भी, अगर वहाँ लोग हैं बच्चे भी हैं तो कोई भी, जैसे मेरे अपनी मेरे घर के प्रेमिसेस में मैं जाके सारा कचरा उठा के डस्टबिन में डाल. चलिए अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं. और अगला गेम है उर्दू नामा. उर्दू नामा में ये कि हम आपसे इंग्लिश का वर्ड है वो बताएंगे, आपको पता होगा उसकी उर्दू तर्जुमा आपने बताया. ठीक है जी. ठीक है. मेकअप. मेकअप जो कि आपने भी किया, मैंने भी किया, दोनों ने किया हुआ है. डॉक्टर साहब यू कांट डू दिस टू मी, दिस इज वेरी टफ. मेकअप तो इंग्लिश में, मेकअप को उर्दू में क्या कहते हैं? लेपा तो नहीं, नहीं लेपा लीपा पोती होती है वो, लेकिन वो लीपा पोती नहीं कहते वो. सॉरी लीपा पोती तो ये होती है कि किसी चीज को बस थोड़ा छुपाना, लीपा पोती कर ली उसकी. तो फिर क्या कहते बनाओ? हाँ यस यस बनाओ सिंगार. बनाओ सिंगार यस. बनाओ निकाल देना है. सिंगार कहते हैं. सिंगार मेकअप को कहते हैं. थैंक गॉड. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ब्रेसलेट. ब्रेसलेट ब्रेसलेट को क्या कहेंगे?
ब्रेसलेट को हम उर्दू में कंगन कह सकते हैं, कुछ मिलता सोचे 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 क्या है? कंगन भी नहीं है, देन व्हाट? सोचे, कंगन नहीं, चूड़ी नहीं, पाजेब तो पैर की हुई, ब्रेसलेट को क्या? कलाई क्या बंद? गुलूबंद नहीं होता, देखिए देखिए, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी चीज होती है। हाँ सोचे, कुछ आ भी जाए दिमाग में और नहीं भी। चूड़ियों के साथ पहनते एक चीज होती है। अच्छा, आप पर कभी एक होता है इंसान पर अच्छा वक्त आना जी, और एक होता है इंसान पर बुरा वक्त आना। बुरा वक्त को क्या कहेंगे? बुरे वक्त को इम्तिहान, नहीं उसी में इसका नाम छुपा। बुरे वक्त को कहेंगे आप पर बड़ा वो वक्त आया, वो वही है। आप पर एक बड़ा डैश वक्त आया, ये वही है, ये वही है। ये वही है जो आप पर वक्त आया और जो आप पर आ चुका है वक्त, उसे आप गुजार चुकी हैं, ये वही है। मुश्किल नहीं, मुश्किल तो सब पर आती है। कठिन एक नहीं समझ आ रहा, एक वो बड़ा से मिलता जुलता है कुछ। बड़ा से जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, वक्त है, वक्त है, वक्त है, उसमें वो चीज आपके हाथ में है, वो हाथ में है, वो हाथ में है, वो हाथ में है, लेकिन वो वक्त है, वो वक्त है, घड़ी, वो वक्त है, वक्त है, वक्त 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 है, जो आता है, जो बुराया 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 बुरा के साथ एक और वक्त आता है, एक और वक्त आता है, आगे 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 वक्त आया, वक्त आया, वक्त आया, वक्त आया, वक्त आया, क्या नहीं 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 जल्दी 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 नो 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 नहीं, वो वक्त है, वक्त है, वक्त है, बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है, एक और वक्त आता है, मिलता जुलता मुझ पर बहुत, मुझ पर बहुत अच्छा, तूफान तूफान तकलीफ बहुत। Oh my God! जल्दी जल्दी बताएं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zero. करा 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 करा। तालियां। पता नहीं मुझे तुम्हें देखके क्यों लगता है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे लगता है रणछोड़ लाइन से तुम्हारा रक्षा छिन गया। सलाम है आपकी एनर्जी को सर। बुरा है उसी, अब देखो उसी में बड़ा है तो वो जो खड़ा है वही खड़ा है ना यार। कड़ा कंगन बोला तो था, कंगन कड़ा एक ही नहीं होता, कंगन खड़ा अलग अलग होते हैं। कैसे? नहीं एक मिनट, कैसे कंगन वक्त नहीं हो सकता? नहीं छोड़े उसको, कंगन पहनाया जाता है। नहीं हमने तो ब्रेसलेट का वो करना था ना। हाँ। उर्दू ब्रेसलेट मर्द भी पहनते हैं, औरतें पहनती हैं, कंगन मर्द नहीं पहन सकते। अब ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? मैं क्या कंगन पहन के नाचूं? नहीं पहन सकते। नहीं अब तो नाम है तो है, जाओ जी जाओ, पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिलवा लो, तो कंगन कहां से लाएंगे? कड़ा कड़ा, मगर आपने बता दिया था दो। Oh my God! Oh my God! कहाँ से फुला दी? तुम चांद की तरफ देखे करो। चल। And he actually did that.
करो, तुम करो, करो करो, चांद किधर देखिए, चलो चलो ठीक है। अच्छा जी, मैट 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 मैट, व्हाट डू यू मीन? एक तो होता है मैट्रेस, एक होता है मैट। वो क्या होता है? वो मैट होता है, मैट्रेस तो वो जमीन पे जो बिछाते हैं मैट। अच्छा, दैट मैट, मैट मैट, यस दैट्स मैट, हां दैट्स मैट। उसको कालीन? नो, कालीन इज कारपेट। दरी? यस, करीब है कुछ, आप करीब है, करीब है। चलो मैं दरी मान लेता हूं, दरी भी दुरुस्त है, वैसे मैट को चटाई भी कहते हैं, लेकिन दरी, ओके, दरी इज द राइट आंसर। दूसरा चटाई, चटाई ही आने वाला है। दरी इज द राइट आंसर, दरी इज द राइट। दरी, चटाई, बालकनी, बालकनी को, बालकनी को, बालकनी। पता है ये बड़ा अफसोस की बात होगी अगर मुझे ये ना आए, क्योंकि अक्सर ड्रामों में उर्दू ड्रामे करते हैं हम। सोचे चलो छोड़े आप, नहीं बैल्कनी को क्या कहेंगे? बैल्कनी, 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 एक सेकेंड, बैल्कनी, 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 कोई हेल्प ही कर दे। बैल्कनी में गुच्छा देखा कभी? गुच्छा, गुच्छा, गुच्छा किस चीज का? नहीं, गुच्छा चाबियों का गुच्छा। हाँ, चाबियों का गुच्छा। गुच्छा तो अंगूर का भी हो सकता है। गुच्छा अंगूर का भी हो सकता है। हाँ, गुच्छा बालों का भी हो सकता है। हाँ, गुच्छा मक्खियों का भी हो सकता है। हाँ, गुच्छा तो गुच्छा होता है। हाँ, मगर गुच्छा होता है ना। हाँ, गुच्छा में ही है वो, गुच्छा में ही छाए, गुच्छा में ही छाए, गुच्छा, गुच्छा में इधर उधर से मिला के गुच्छा जा। चबारा। अच्छा छोड़ो, एक मिनट, एक मिनट, म्यूजिक सुनाता हूँ आपको, उसे समझ आएगा। ढील दो भाई, ढील दो, आने दो भाई, आने दो, जाने दो भाई, जाने दो, वो काटा। दोबारा सुनाए? नहीं, पर उसका ये हिंट है इसमें कोई? हाँ, इस गाने में उसका नाम है। एक मिनट, एक मिनट, दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्टिंग में उसका नाम है। गाना गा देंगे? नहीं, गाने को गा देंगे। हाँ, शादियों में ये गीत गाया जाता है, शादियों में ये गीत गाया जाता है। I can't tell. कोई और हिंट दे। हाँ? कोई और हिंट? इस पर ये वो जगह है जहां पर माशरे चौबारा है? नहीं, चौबारा नहीं, चौबो वो तो गलियां, ये चौबारा, ये आना ना दोबारा, वो अलग चीज है। ये जो है ये, अच्छा, चौबारा होता है, चौबारा होता है, मैंने गलत बोला। हाँ, चौबारा, ये गलियां या चौबारा या आना ना दोबारा, कि हम तो भय परदेसी, कि मेरा यहाँ कोई नहीं। हाँ, वे वे, आपने कहा है ये जो जगह है ना, बैल्कनी है, बैल्कनी को उर्दू में, बैल्कनी को उर्दू में क्या कहते हैं? वो मैंने गाना आपको सुनाया था, वो आप नहीं समझ सकी। वो मुझे, मुझे वो ट्यून ही नहीं, मुझे आप दोबारा, आप कॉन्सेंट्रेट करें ना ट्यून पर, मुझे लिरिक्स ही नहीं पता ना। नहीं, आपको आ जाएगा, आप सुने। हाँ, अच्छा मैं बताता हूँ, ये तो मुझे कुछ ऐसे लगता है, लट्ठे, चार, ऐसे ऐसे,
कुछ आप सुने 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 इधर सुने डैश पे पतंग उड़ाए हरियाला बने बनाना आए वैसे आप इससे ज्यादा मेरी हेल्प नहीं कर सकते और कर सकता हूँ आप क्या और हेल्प कर सकता हूँ आपकी वो ये कर सकता हूँ कि एक सेकंड ये वो मकाम है जहाँ माशरे की शरीफ तरीन लड़के खड़े होते खिड़की नहीं नहीं माशरे की शरीफ तरीन लड़के इसी जगह खड़े होते और सामने वाली बालकनी में देखते नुक्कड़ नुक्कड़ नहीं ये तो ऊपर है छत छत के करीब छत 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 के करीब छत 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 के करीब छत के करीब पतंग उड़ाए हरियाला बने बनना ना आए अभी चूंकि आपकी शादी नहीं है तो कैसे कर सकते हैं मैंने कभी ये जिंदगी तो आपने शादी नहीं की ना जब शादी की होती तो गाना पता होता ना शादी नहीं क्या बात हुई शादी क्या बात हुई तो है अच्छा ये बताए रिंकल्ड पजामे को क्या कहते हैं लो भाई रिंकल्ड पजामा डॉक्टर साहब आपने तो सोचा था कि आज खुदा की कसम रिंकल्ड पजामा इतना जबरदस्त वर्ड है रिंकल्ड रिंकल नहीं रिंकट नहीं रिंकल्ड डब्ल्यू आर आई एन रिंकल्ड रिंकल्ड चुंटो वाला है चुंटो चूड़ीदार चूड़ीदार पजामा वाह 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 आता है ना देखिए आप ऐसे तो फिर ऐसे नहीं कि आपको नहीं आता आता है आप कंफ्यूज हो गई थी मैं कंफ्यूज नहीं आप इतने मुश्किल मुश्किल चलिए ये तो हो गया ये तो खत्म हो गया ये राउंड खत्म हो गया वक्फा लेते वक्फे के बाद हाजिर होते जय वे पाकिस्तान पाकिस्तान अच्छा भाई दोबारा से आ गए नौशीन शाह हमारे साथ मौजूद है और अभी हम मुहावरे वाले गेम की तरफ जाते एक आपकी मेरी आदत बड़ी मुश्तरक है जी सर वो ये कि दोनों मुंह फाटे नो नो खुश लिबास आप भी हैं मैं भी वो तो और गुफ्तगू से आप मुतासिर कर देती हैं लोगों को मैं भी कर देता हूँ। Thank you if you say so. It's a compliment. और आज तक आपने जितना कमाया उसका बड़ा हिस्सा जूतों और कपड़ों की खरीदारी में खर्च किया मैं भी कर देता हूँ लेकिन मैं अब नहीं करती अच्छा अब नहीं करती लेकिन मैं एक बात में आपके जैसा हूँ और मुझे कहने में कोई इसमें आर नहीं है मैं अपनी जात की मुझे अच्छा कोई कपड़ा अगर अच्छे कपड़ा अगर लंडन में मिल जाए ना मैं ले लेता हूँ तो इसमें क्या बात है उसमें कोई फर्क तो लोग क्यों कहते हैं मैं तो लेके आता हूँ मैं तो आपको पता है मैंने अभी दो 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 हफ्ते पहले लंडन से ऐसे शानदार कपड़े खरीदने से क्या फर्क पड़ता है मैंने अभी दो हफ्ते पहले लंडन बाजार से एक शानदार किस्म का नाइट सूट लिया है लकी यू अरे बड़ा जबरदस्त मिला है फिर मैंने उसको वो उसमें कोलिंग के सामने एक बोर्ड बेसिन पे है छोटा सा जुम्मा बाजार लगता है तो वहां से ऐसी मैंने बहुत सारी चीजें मैंने उसको कोलिंग इतवार बाजार बंद हो गया जी इतवार बाजार बंद हो गया बस ये बड़ा जुल्म हुआ है ये जुल्म हुआ है सीरियसली क्या क्या चीजें हम लोग चुन चुन के लाते थे वहां से ढूंढ ढूंढ के वो पिस्तौल वाला लाइटर अच्छा ये एक ख्वाहिश है इनकी और वो ये कि जो कुछ भी अपने बहन भाइयों के लिए वालदेन के लिए कर सकती हैं वो करें और मुझे आज जिनकी सबसे अच्छी बात लगी अच्छी बात है एक तो इन्होंने मुझे अभी दुआ दी है वो मेरे लिए पर्सनल दुआ है और मैं सादात की बहुत इज्जत करता हूँ तो मुझे दुआ दी है अल्लाह ताला इनको इसी तरह दुआ देने के लिए सलामत रखे और मुझे जो सबसे अच्छी बात नहीं लगी वो ये कि ये बहुत साफ गो हैं और बेलाग गुफ्तगू करती हैं और ये बहुत अच्छी आदत है और ये इन जैसे इनके खून में ही हो सकती है ये बात इन जैसे लोगों की बहुत सही ताली अब ये कि अभी तक आपने जो है वो
डिप्रेशन में मुबतला ख्वातीन की आप काउंसलिंग भी करती हैं, क्या करती हैं उनके साथ, क्या आप उनको? मुझे सबसे पहले जो कमी लगती थी, चूंकि मेरे साथ होता था और मैं डरती थी कि अगर मैं सेट पे, मुझे कभी एंग्जाइटी हुई या डिप्रेशन हुआ तो लोग बोलेंगे अरे इसको तो दौरे पड़ रहे हैं, ये तो मेंटल है, ये तो पागल है. तो इट वॉज़ वेरी स्केरी. जब पहला अटैक हुआ तो मैं थी अमरीका में, वॉशिंगटन डीसी में. दूसरा हुआ तब भी बाहर मुल्क थी. अच्छा, बाहर कंट्रीज में ना इस तरह से ड्रग्स आपको नहीं देते, नहीं देते, नहीं, नहीं, एंटीबायोटिक मिल ही नहीं सकती आपको, नहीं, नहीं, नहीं मिलती. पाकिस्तान जब वापस आई तो अब मैं, बुरी बात है, वो बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है और अनएथिकल है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका. हाँ, मत लीजिए. इट डजंट लुक एंड साउंड नाइस. मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि आप लिक्सोटिन ले लें. मैंने वो खाना शुरू कर दी. आई टुक लिक्सोटिन फॉर अबाउट 7 ईयर्स और वो एक से वो पूरे पत्ते पे चली गई थी पूरी रात. मतलब हर रात मैं पूरा पत्ता खाती थी. मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो उसमें 12-12 गोलियां होती थी. तो डॉक्टर अली काजमी जो हैं, आप जानते हो डॉक्टर अली काजमी को अच्छी तरह, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेवकूफ, एक पत्ते में 12 गोलियां नहीं होती, 10 होती हैं. तो तुम जो पूरा पत्ता खाती थी उसकी तुम्हारी गिनती गलत है. वो 12 गोलियां नहीं खाती थी, 10 खाती थी. सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आई यूज टू टेक 10 टेबलेट्स एवरी नाइट. उसके और ऑब्वियसली आप इतनी हैवी डोज ले रहे हैं, आपने अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को यूज टू कर दिया है. अब वो नम हो गई है. एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, करते 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 10. डिप्रेशन, वो तो अंडरस्टूड सी बात थी कि वो होना ही होना था. क्योंकि आपके वो एक सेरोटोनिन या सेरोटोनिन ये जो केमिकल है वो बनना बंद हो गया, प्रोड्यूस होना बंद हो गया. और वो हुआ किसकी वजह से? लिक्सोटिन की वजह से. एग्जैक्टली, लिक्सोटिन की वजह से. लिक्सोटिन की वजह से हुआ. मैं जिस तकलीफ से गुजरी हूँ ना डॉक्टर साहब, वो मैं जानती हूँ और अल्लाह जानता है. और मुझे ये भी लगता था कि ये बहुत एम्बेरसिंग है, क्योंकि आपको तकलीफ तो होती है 2 मिनट की. अब माशाल्लाह, अब क्वारंटीन की वजह से एवरीबडी नोज कि हम किस तरह के हालात में काम कर रहे हैं. हर बंदा दूर है एक दूसरे से और रहना भी चाहिए, वरना बड़ा मसला होता है. लेकिन सेट पे बहुत सारे हमारे लोग होते हैं, हम 2 लोग नहीं होते. आप 2 मिनट में आपको एक तकलीफ हो और आप किसी चीज से, एक पैनिक से गुजरे और विद इन 2 मिनट्स आप ठीक हो जाएं, तो लोग आपको वाकई पागल कहेंगे. ये है ही ऐसी चीज, इसमें कोई शक नहीं. मैं भी शायद हूं तो मैं बोलूं यार अभी तो ये 3 मिनट पहले तो दिस पर्सन वॉज लाइक लिटरली डाइंग, और ये 3 मिनट बाद ऐसा क्या हुआ है कि ये ठीक हो गया है? ये इतना सा दौरा होता है, ये इतना सा अटैक होता है जो आपको होता है. तो मैं उसके डर की वजह से गोलियां खाती रही. एक पॉइंट वो आया जहां पे मैं, व्हेन आई वाज शूटिंग दीवारे शब, तो मैं बिल्कुल थक गई थी. मैंने अल्लाह ताला से एक दुआ की थी कि इफ यू लव मी, ब्रिंग मी टू द प्रेयर मैट. मैं पूरी रात रोई. मैंने दुनिया घूमी है, मैंने दुनिया देखी है, मैंने दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन बेसुकूनी थी मुझे बहुत. अब सुकून आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, तसल्ली नहीं होती थी मुझे. तो मैंने कहा कुछ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट आई एम डूइंग. इबादत ने आपको सुकून दे दिया. तो मैं हालांकि सुने, मैं इतकाफ पे भी बैठी हुई, मैंने हर सलात व तस्बीह पढ़ी, हर 27वीं की रात सारे दोस्तों को कॉल करती थी जिनके साथ हम पार्टी किया करते थे, तो कोई नहीं आता था, मैं अकेली चली जाती थी. अच्छा नहीं आना तो ना आओ भाई, मैं तो जा रही हूँ. वैसे तो सारे मुंह उठा के खानों पे चले जाते हैं, जीटीस पे चले जाते हैं, पार्टीज पे चले जाते हैं, बट मस्जिद पता नहीं क्यों नहीं आते लोग. तो मुझे मेरी दूसरी रैंडम इधर उधर से कोई जानने वाली मिल गई है. वो ये सिलसिला होता था. 5 वक्त की नमाज की मैं पाबंद पहले नहीं होती थी, मैंने गिव अप कर दिया था. 2 चीज़ें हुई हैं मेरी ज़िंदगी में पिछले 3 साल में, बहुत बड़ी चेंज. एक तो ये कि एंटी डिप्रेसेंट जो मैंने लेना शुरू की, जो मुझे फिर इवेंचुअली शरीर ने बोला कि नहीं, डोंट गिव अप लाइक दिस, थिंग्स गो रॉन्ग इन लाइफ, ज़िंदगी है, ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी उतार आएगा कोई, कभी चढ़ाव, उतार चढ़ाव तो होता है.
एंड यू आर अ यंग गर्ल नौशी, हमने वी ऑलमोस्ट ग्रो अप टुगेदर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैंने कहा यार मैं तंग आ गई हूँ, मतलब अब कभी कभी तो लोगों के डर के मारे कि मुझे पैनिक होने लगता है, तो मैं आपको पता है मैंने आधा काम ऑलमोस्ट नशे की हालत में किया है, दवाइयों का नशा, सिर्फ इस शर्मिंदगी के मारे के मेरे कॉलीग्स को ना पता चल जाए. मेरे साथ एक आर्टिस्ट होती थी यासरा रिजवी, अल्लाह ताला उनको बहुत प्यारी खातून है, शायरी बहुत जिगर, फेवरेट एक्टर, शायरी बहुत जिगर, बहुत. उनके जवान भाई की डेथ हो गई थी, तो मैं और वो दोनों, वो उनको भी एंग्जाइटी होती थी, हम रंगबाज में दोनों. वो मुझे कहती थी कि नौशीन तुम्हारे पास दवाई है, मैंने कहा है, मुझे घबराहट हो रही है, तो वी बोथ यूज टू सपोर्ट ईच अदर कि कुछ नहीं रिलैक्स, कुछ नहीं, ऐसे मुझे दवाई दे दो, क्योंकि वो नम करती है, तो वो भी बचती थी, मैं भी बचती थी, और हम दोनों गोलियां खा खा के टीवी के सामने हम ऐसे एक्ट कर रहे होते थे कैमरा के सामने और अपने फैंस के लिए कि जैसे कुछ भी नहीं है. लेकिन चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं शहरोज, मैं उनको पूरा क्रेडिट देती हूँ, उन्होंने मुझे सही जगह सही डायरेक्शन दी, और वो सही डायरेक्शन मुझे मिली ऐसे. मैं आई वॉज लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ इन माई ओन हेड. वन डे आई वॉज लाइक देर इज समथिंग ऑफ, कुछ गड़बड़ है जिंदगी में, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं गलत कर रही हूँ, कुछ तो है. मैं वो सारी रात डॉक्टर साहब रोई हूँ, मैंने कमरा बंद किया है, एंड आई वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी, मैंने धाड़े मार मार के मैं रोई हूँ. मैंने कहा अल्लाह ताला अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो मुझसे जो मेरी एक भी गलत आदत है ना वो छुड़वा दें, और जानमाज तक लेके जाना आपका काम है अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, और मेरी गोलियों से जान छुड़वा दें. और ये जो मेरी गोलियों वाली दुआ थी मुझे आज भी याद है, मैं सजदे में रो रही थी, गई तो सजदा करने थी लेकिन मैं वहीं रोने लग गई, और बजाय कि सुभान अल्लाह कहती मैं बातें करने लग गई नमाज में. और उसके अगले दिन मुझे अटैक हुआ दीवार शब के सेट पे, वो अल्लाह ने एक वसीला बनाना था शेरोज को, और वो दिन है और आज का दिन है. आज मेरा माशाल्लाह 3 साल हो गए मेरी, मुझे नहीं लगता मैं शायद कभी कोई नमाज छूटी हो, मेरी कोई नमाज नहीं छूटती, मुझे कोई शौक नहीं है कौन क्या करता है क्या, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे जेन्युइनली अब कोई फर्क किसी चीज़ से नहीं पड़ता. पहले होता था ना कि अच्छा ये चीज़ ले लें वो चीज़ ले लें ऐसे कर लें वैसे कर लें हम ही सब कुछ हैं. नो, हम कुछ भी नहीं हैं. जब आप उसको चूज़ कर लेते हैं ना फिर अल्लाह आपको बताता है कि मैं हूँ सब कुछ. और लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, आप इतने सुकून से सोते हैं. मैंने मेरे चेस्ट में वो था एक सेप्टिक, एक छोटा दाना था, तो वो व्हाट यू कॉल इट, उसको क्या कहते हैं वो जो बन जाता है लंप, तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि ये इसका हमें इसकी सर्जरी करनी होगी. तो मैंने कहा नहीं आप सर्जरी बेशक करें. उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स पे डालना था, एंटीबायोटिक्स कहते हैं या एंटीबायोटिक्स कहते हैं, एंटीबायोटिक्स भी सही है, मुझे नहीं पता, मैं बड़ा कंफ्यूज रहती हूँ इन दोनों. वैसे आप अमेरिका में जाएंगी तो एंटीबायोटिक्स कहेंगे, तो मेरी कंफ्यूजन रहती है इसको लेके. बट ही द डॉक्टर सेड कि ये 3 वक्त आपको खानी होंगी. मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बता दूँ, 3 वक्त खिलाएं या 100 वक्त खिलाएं आई डोंट केयर, मैं रोज़ा और नमाज नहीं छोड़ूंगी अपनी. तो उन्होंने मुझे मेरी शक्ल देखी तो उन्होंने कहा बेटा जब अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला, मैं इसके हिसाब से हर चीज़ प्लान करूँगा. आप अपना रोज़ा रखिए, अपनी नमाज पढ़िए, अपनी सहरी कीजिए, अपनी इफ्तारी कीजिए. अब ये मेरा काम है कि मैं आपकी डोज ऐसे प्लान करूँगा जो आपको डिस्टर्ब ना करे. मैंने बहुत अरसा रोज़े नहीं रखे इस डर की वजह से कि मेरा रोज़ा ना कहीं टूट जाए, मुझे कहीं एंग्जाइटी ना हो जाए. पहली दफ़ा जब मैंने रोज़ा रखा, पहला महीना ये पिछले 3 साल का जो जिक्र है, मैंने ये सोचा हुआ था, सोच रही थी ये बात अपने साथ तय कर ली थी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए रोज़ा तो मैं नहीं छोड़ूँ और नमाज भी नहीं छोड़ूँ, सारा साल खाते हैं.
ना नमाज छोड़नी है ना रोजा छोड़ना है। एंजाइटी क्यों हुई थी किसी से? कभी भी नहीं पता किसी चलता। ने तंग किया, धोखा दिया? क्यों हुई है? मुझे लगता है कि आप जब दुनियावी चीजों में बहुत ज्यादा चले जाते हैं ना, जब आप हकीकत से बहुत दूर हो जाते हैं, जब आप रियलिटी को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो ये चीजें तब होती हैं। अभी भी होती है कभी कभी, लेकिन जब आप ईस्ट और वेस्ट का है ना फर्क, उसको तो आप नहीं डिनाई कर सकते। मुझे बहुत सारे लोग हैं ये भी कह देते हैं जी मैं, मुझे कपड़े अच्छे पहनने का शौक है, तो कभी मैं कोई ड्रेस पहनूं तो मेरी टांग पे बात कर देंगे। एक तरह से मैं देखा जाए तो वो ठीक भी कहते हैं कि भैया आप तो कभी कभी बोल्ड कपड़े पहनते हैं, पहन लेती हैं, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि माना कि मैं बोल्ड कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मैं इसको कभी भी जस्टिफाई फिर नहीं करती। आप बहुत अच्छे। थैंक यू। You are a wonderful lady. Thank you so much. Thank मुझे you. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात। आज आपको पता है, I am not a good listener. Really? Yes. लेकिन मैं ये सब जानते हैं मैं कितना आपको इस वक्त सुन रहा हूँ। Thank you. क्योंकि so मैं much, इस वक्त ये देख रहा हूँ कि आप बहुत दिल से बोल रहे हैं, अपने अंदर से बोल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझसे कोई सीख ले। From the core of your heart. Yeah. और इस वजह से मुझे आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you sir. Thank you. बस ये है कि इस बात पर अब लोग इसको कुछ और समझे, बट आई लव यू। चलिए अब आपको मुहावरों थोड़ा सा आपको चीयर अप करते हैं, आइए आपको मुहावरों की तरफ लेकर आते, थोड़ा सा आपको हंसाते खुश करते। आइए मैं जरा मुहावरों की तरफ आए, और ये पहला मुहावरा है, देखिए जी, ये दाल में कुछ काला हाँ नहीं नहीं ये राई है। राई क्या होता है? राई खानों में डलती है, और ये हाँ। ये पहाड़ है, राई का पहाड़। वाह। आइए जी नेक्स्ट। ये जो है ये ले बैठे हैं तीनों ना करें डॉक्टर। भैंस के आगे चाहे ना आ गए इनके आगे बीन बजाना। अच्छा जी अब आ जाते हैं, आज दिखाए ये आप हैं। दिस इज यू, मैं हो सकती। दिस इज यू, दिस इज मी, दिस इज एग्जैक्टली यू। वैसे क्या ना नक्चड़ी? नो नक्चड़ी तो नहीं है आप, बट दिस इज यू। एंग्री? हाँ वो एंग्री तो है आप, लेकिन ये आप हैं अभी भी। अभी भी हैं। ये क्या है? नोज। यस। और ये क्या है? नाक पे गुस्सा। नाक पे गुस्सा। किसी वक्त भी नाक पे गुस्सा आ सकता है आपके। अच्छा जी हूँ ना थोड़ी। अच्छा क्या करें? हाँ जी आसमान से टपका एक सेकंड यहाँ से चले। हाँ ये क्या? आसमान से गिरा खजूर में अटका। यस ये यही मुहावरा है या कुछ और? यही आसमान से गिरा खजूर में अटका। हाँ मैंने बोला था गिरा वाला, अटका नहीं अटका। चले आज है तीसरा आखिरी। हो मुझे लग रहा है कान किसी दीवार के साथ लगा। ये ऐसी जो हमने अभी सुन रहा है। हाँ जो हमने अभी बातें की है ना वो बातें ऐसी हैं कि नहीं करो। ओ दीवारों के भी कान होते हैं। बहुत बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत शुक्रिया नौशीन शाह। लेकिन पहले हम एक वफ़ा लेते हैं, अभी जो एक सेगमेंट बाकी है और सेगमेंट की तरफ पढ़ दें, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते लास्ट सेगमेंट हमारा होगा नौशीन शाह के साथ। आज मिलकर बातें करके गुफ्तगू करके आज लगा कि किसी से पहली बार कोई मुलाकात हुई है। एक वक्फे के बाद आते हैं जीवे पाकिस्तान।
पाकिस्तान, खुश आमदेद कहते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। और अब हम नौशीन शाह के साथ एक तस्वीर, आपको तस्वीर बूझनी है, बताना है कि तस्वीर कौन सी है। लाइए जी पहली तस्वीर। कौन, कोई फेलो एक्टर? देखिए असफर रहमान। ओफो, वेरी क्विक, वेरी क्विक आंसर। सर डुगडुगी 5 साल काम किए, ऊपर से इसके जो ड्रामे होते थे वो सारे कहानियां मैं ही तो छुपाती थी। भाई क्यों यार संभाल लेना, मतलब दोस्तों का तो फिर यही काम होता है ना कि उनके जो करतूत होते हैं उन पे पर्दा डालना। सवाल ना पड़ते, सवाल ना। हाँ तो और होता है, होना चाहिए। कहाँ अभी निकला हूँ, इनको कहा है 5 मिनट दूरूं, संभाल लेना। अजमल रहमान, ओके नेक्स्ट। माय लवली फ्रेंड, ओके नेक्स्ट। हाँ अरे भाई इनकी क्या कहने हैं, इन खातून के तो क्या कहने, इफ्फत उमर। ये बड़ी प्यारी खातून है, मुझे बड़ा शौक है इनसे मिलने का। इसी की मैं मतलब ये कि सडनली मतलब ये कि एक 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 एपिसोड होता है, मैं बात अपने दिल से कहता हूँ और मैं किसी के दबाव में नहीं आता, मैं खुलकर बात करता हूँ, और ये खातून आती है और कहती है आमिर लियाकत तो हीरो लग रहे थे। मतलब उसमें इतना प्यार था, इतना चाव था, इतनी अपनाइयत थी कि मैंने इनका शुक्रिया भी अदा किया था। एक मिनट माइक दे दीजिए, इसमें बात की, इसमें बात कीजिए नौशीन जी। तो नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इफ़त बहुत कम लोगों के बारे में अपने अपने ओपिनियन का इजहार करती हैं, अपनी राय इतनी आसानी से नहीं देती। मैं तो जब भी लाहौर अब जाती हूँ, आए मैं इनके घर पे रहती हूँ, मेरी तो फैमिली है, और मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि मैंने इनसे ज़्यादा, इनकी पूरी फैमिली से ज़्यादा बड़े दिल के लोग और कल्चरल मैंने नहीं देखे। जब आप यहाँ आ रही थी तो मेरे बारे में क्या कहा है? उनको नहीं पता था, नहीं पता था? उनको बिल्कुल नहीं पता था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कॉल उनको की जाएगी या क्या होगा या क्या नहीं होगा या किसी और दोस्त को की जाएगी। बट मुझे हैरत है और मुझे यकीन है कि उन्होंने अगर बात की है और जो आपके बारे में कहा है वो किसी के कहने में नहीं आती है, नहीं आती किसी। She's not the person who would listen to other people and then pass her own, you know, like अच्छा किसी का सुन के अब अपनी स्टेटमेंट दें। वो अपने दिमाग की औरत है, वो अपने दिमाग से खुद सोचती है, खुद चीज़ों को एनालाइज करती है और फिर बोलती है। ठीक, तो ये थी इफ्फत उमर। उन्होंने जो भी आपके बारे में बोला है सही बोला है, सही बोला है, उन्होंने अपने दिल से बोला होगा, उन्होंने किसी के कहने पे आके। थैंक यू इफ्फत उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट। Oh, yes. मैं भी शायद की तस्वीर शायद मेरे प्रोग्राम में कभी आई। Really? देखिए कौन? मैं भी शायद की है। No, आ नहीं सकती। नहीं आ सकती। आमिर लियाकत के शो में नहीं आ सकती। सबा कमर। देखिए। इकरा अजीज। जानती हैं आप? जानती हूँ। जानती? मेरी कोई फ्रेंड टाइप कैटेगरी है? आपकी फ्रेंड टाइप कैटेगरी तो नहीं है, लेकिन आप... मेरी एज की है? नहीं आपकी एज की नहीं है, मतलब आपकी एज क्या, मैं तो नहीं बताऊंगा आपकी एज क्या है। I am, नहीं बताए ना, क्या हो गया, ये नहीं बताते। No, no, I have just turned 30. No. मेरी 36 साल उम्र है। अब मैं लगती अगर 18 की हूँ तो मैं क्या करूँ? ये इनसिक्योर लोग होते हैं जिनको उम्रों से मसला होता है। मैं काफी सिक्योर, मैं नहीं चाहता खवातीन बताएं। खवातीन को आप, खवातीन नंबरों से बहुत ऊपर है प्लीज। अच्छा चलो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ अच्छा, इसके नाम के से शुरू होता है। कैसे? अच्छा मुझे ये बता दें कि ये कोई नई आर्टिस्ट है या नहीं? नई आर्टिस्ट।
नई आर्टिस्ट है, न्यू है, मतलब न्यू एज की है, न्यू एज आर्टिस्ट है। हिट सीरियल, हिट सीरियल तो बताऊं? मुझे इन्होंने ये जो हाथ और ये जो पोज, नॉट माय कप ऑफ टी, आई डोंट नो हु शी इज। अच्छा, यू समझ ले फिल्मों में बहुत काम किया, फिल्मों में बहुत काम किया है, फिल्मों में बहुत काम किया है, फिल्मों में बहुत काम किया है। आखिरी तस्वीर है आपके पास बस? हानिया होती तो जरूर मेरे शो में आती, हानिया होती, लेकिन अच्छा एक मिनट, ये वो खातून है जो आपके शो में नहीं आई कभी? आई नहीं कभी, मैं आएंगी इंशाल्लाह जब मैं बुलाऊंगा। संगे मरमर में थी ये? संगे मरमर। अच्छा, मजे की बात ये, मैंने नाम बहुत सुना है ड्रामे का, मैंने देखा है किरण मलिक, किरण समथिंग करके, कुबरा खान, ये कुबरा है? महविश कैसे लगा? मैंने, मैं वही तो कह रही हूँ कि मैंने तो, मैं आसानी से, ये है महविश हयात। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि ये आपने क्यों कहा कि ताकि महविश हयात से दोस्ती हो जाए, बताने के लिए। शी इज अ लवली गर्ल। भाई ऐसी हमारी लड़ाई चलती रहती है। तो कोई बात नहीं, दोस्तों में तो हो गई ना दोस्ती, दिखा देना, महविश हयात पूछ देना। महविश प्लीज डॉक्टर साहब से सुलह कर लो, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो भाई। थैंक यू महविश हयात हमारे मुल्क की बहुत अच्छी अदा कर रहे हैं, बहुत सही काम करते हैं। और अब यहां पर क्या कहा था कि मेरी नहीं, हम एक की एज के होंगे, आई थिंक, नहीं ये शायद छोटी हुआ, चले आई डोंट नो, नो आईडिया। अब हम यहां पर इख्तिताम पसीर करते हैं अपने शो का। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ, आपसे बातें करके आज दिल बहुत खुश हुआ और एक बड़ा यादगार शो रहा है, यकीनन आपको भी बहुत पसंद आया होगा। नौशीन शाह को हम यहीं पर रुखसत करते हैं और बहुत सारी तालियों की गूंज में हमें इजाजत दीजिए, कल इसी वक्त हम इसी शो में दोबारा आपके साथ होंगे। जीवे पाकिस्तान।